हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स विकसित कैसे हुआ और कंसेप्ट पढ़ेंगे इंश्योरेंस के क्या है। तो हम इस चैप्टर में, जैसे इसका हेडिंग बता रहा है, तो बेसिक एंड नेचर पढ़ेंगे इंश्योरेंस का। बेसिक्स पढ़ेंगे क्या है, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे विकसित हुई और कैसे आजकल काम कर रही है, ठीक है। और इंश्योरेंस जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उसको कैसे टेक केयर करती है, ठीक है। तो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा कंसेप्ट समझेंगे इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कैसे विकसित हुई। दूसरा अपना, तीसरा है हमारा इंश्योरेंस कैसे काम करती है आजकल, ठीक है। और डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस की डिफरेंट क्लासेस इंश्योरेंस की, ठीक है। और हमारा लास्ट अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इम्पोर्टेंस देखेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना एक लुक एट द सिनारियो, एक एग्जांपल दी हुई है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और अभी एक एक्सीडेंट होता है और वो लाइफ, किसी फैमिली की लाइफ को कैसे चेंज कर देता है, ठीक है। और इंश्योरेंस कैसे हेल्प की है, इस सारी उसमें यही दिया हुआ है, ठीक है। एक डिटेल में आप पढ़ लेना, बट फिर भी एक ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें पूरे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है कि एक आदमी है सतीश, वो घर से वापस जा रहा होता है ऑफिस से, एक बिजी डे में लेट हो जाता है और वो अपनी बाइक को तेज तेज चलाता है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ पे प्रॉपर, और वो ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। और जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो सर्वाइव नहीं हो जाता और वहाँ पर उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सतीश पे अभी उसकी फैमिली डिपेंड करती है, उसकी वाइफ है पूनम, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। अभी उसकी पूनम की लाइफ पूरी तरह स्कैटर्ड होगी जब सतीश की डेथ होगी, क्योंकि सतीश ही एक अर्निंग ओनली अर्निंग मेंबर था, ठीक है। बट फॉर्चुनेट की बात ये है कि सतीश ने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखी थी, पॉलिसी ले रखी थी, और उसने एक बाइक की भी मोटर पॉलिसी ले रखी थी, ठीक है। अभी लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या हुआ कि देखो, सतीश की डेथ पे अभी सतीश, वो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस नहीं आ सकता, बट ये उसको बेनिफिट हो गया कि जो पूनम है, ठीक है, वो जो सतीश की अनटाइमली डेथ थी, ठीक है, उसको उसके स्मॉल चिल्ड्रन थे, उसके और पेरेंट उसके ओल्ड पेरेंट्स थे और पूनम थी, उनको मौका मिल गया मैनेज करने का, ठीक है, सिचुएशन को, स्टैंडर्ड को। अभी पूनम ने एक जॉब ले ली, उसको टाइम मिल गया, ठीक है, और उसने अपने लिए भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है। और वो बिलीव करती है कि उसका हस्बैंड का डिसीजन ऑफ जो उसने इंश्योरेंस खरीदी थी, उसके हस्बैंड की डिसीजन की वजह से उसने इंश्योरेंस ने उसको सपोर्ट किया, उनकी एब्सेंस में भी, सतीश की एब्सेंस में भी पूनम को सपोर्ट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस ने जो उसके खरीदी थी। और बाइक की इंश्योरेंस का बेनिफिट ये हुआ कि वो बाइक लोन पे थी, ठीक है, वो डैमेज हो गई थी पूरी तरह से, तो बैंक ने अप्रोच किया पूनम को, तो उनका वो वाला भी क्लियर हो गया। तो ये एक इसमें यही है कि सतीश के जाने के बाद भी वो लाइफ, अगर उन्हें सपोज नहीं लिए होती तो उनकी लाइफ पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जानी थी। तो एक लोन भी था जो उनको भरना पड़ना था, ठीक है, और एक लाइफ इंश्योरेंस था कि अभी लाइफ इंश्योरेंस ने उनको एक्स्ट्रा वो दिया बेनिफिट, ठीक है, इनकम का, तो वो चीज़ उनके डेबिट भी पे किए। तो इंश्योरेंस क्या करती है, फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर देती है। तो हमारा फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कंसेप्ट समझेंगे इंश्योरेंस का क्या है, ये इंश्योरेंस होती क्या है, ठीक है। अभी फर्स्ट है नीड ऑफ इंश्योरेंस। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस। एंड एक वो कहते हैं जी, कंसेप्ट समझने से पहले इंश्योरेंस को समझना पड़ेगा। एक तीन सिचुएशन दी हुई है यहाँ पे, तो वो तीनों हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये, उसे पूरा क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है। तो पहली सिचुएशन में कहते हैं कि इमेजिन दैट आपके पास एक कार है और अभी कार के एसोसिएटेड, अभी कार को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एसोसिएटेड रिस्क कौन से हैं वो दिए हुए हैं कि वो कार डैमेज हो सकती है, टूट सकती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी, ड्राइवर को भी नुकसान इंजरी हो सकती है, अभी चोरी भी हो सकती है कार, ठीक है। अभी ये सारे कार को रिस्क हैं, ठीक है, और अभी कार चल रही है रोड पे, किसी को इंजर कर दिया, डैमेज कर दिया और किसी की डेथ होगी उसकी वजह से, तो वो भी एक रिस्क है वो जो कार से अटैच है।
और सेकंड सिचुएशन में कहते हैं कि आप एक कंपनी में काम करते हो, तो उस रिलेटेड आपकी जॉब रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ये कहते हैं कि जो बंदा काम कर रहा है उसकी अनटाइमली डेथ होगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड किसी की वजह से, और उसको लॉस का इनकम हो रहा है, ठीक है, जो लाइफ बची है उसकी, फैमिली को भी ऑब्वियस फर्क पड़ता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है कि अनटाइमली डेथ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यू लीव बिहाइंड, अभी जो आपके ऊपर डिपेंड थे वो बताया गया है कि वो भी, जैसे चिल्ड्रन की एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, उनकी मैरिज, होम लोन वगैरह, वो भी एक रिस्क है। और अगर आप बीमार हो गए तो एक टेम्परेरी पीरियड का भी लॉस होता है इनकम का। और जो रिस्क, एक एक्सीडेंट हो गया, टेम्परेरी डिसबिलिटी होगी, अर्निंग कैपेसिटी होगी, वे सब, ये सब एक रिस्क बता रहे हैं लाइफ रिलेटेड। और तीसरी सिचुएशन में क्या है कि ये कहते हैं कि इमेजिन करो कि आप एक ओनर हो बिजनेस के, ठीक है, उसके रिलेटेड रिस्क हैं हमारे, जो है एक है कि आपकी जो प्रीमिसेस है, जो आपने बिजनेस खोला, फैक्ट्री खोली है, उसका नुकसान हो गया, उसकी मशीनरी का नुकसान हो गया, फ्लड की वजह से, फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, और कोई रॉ मटेरियल आपने बनाया उसका नुकसान हो गया, या आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसका नुकसान हो गया, और या तो आपका स्टॉक चोरी हो गया या मनी चोरी होगी, तो ये बिजनेस रिलेटेड सारे आगे रिस्क। अभी कहते हैं कि आपको ये डिस्क जो रिस्क हैं सॉरी जो रिस्क हैं उसकी उस पर वरी करने की ज़रूरत है। कभी कहते हैं कि अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस ये सभी कवर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में बोला है कि मोटर इंश्योरेंस है जो, वो कार रिलेटेड और मोटर रिलेटेड कवर प्रोवाइड करवाती है, जो मोटर इंश्योरेंस। सेकंड सिचुएशन में लाइफ इंश्योरेंस है, वो कवर करती है योर लाइफ रिस्क, कवर करती है आपकी लाइफ रिलेटेड। अभी आप बीमार हो गए, ठीक है, जो आपका खर्चा है, मेडिकल कॉस्ट है, हॉस्पिटल का बिल है, ठीक है, वो सारा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी आपको। और थर्ड सिचुएशन में, जब वो थर्ड सिचुएशन थी हमारी बिजनेस वाली, तो थर्ड सिचुएशन में फायर इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये हमें कवर प्रोवाइड करवाएगी हमारे बिजनेस रिलेटेड। अभी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तीन तरह की अभी मेजर बताई है इंश्योरेंस, तो और भी तरह की, बट प्रोमिनेंट ये है मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स वो हमें बताया गया है क्या है, एसेट हैं उसको हम उसकी प्रॉपर यूज़ बेनिफिट लेते रहें, तो हमें इसलिए इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो एसेट क्या है हमारा, जो भी हम चीज़ खरीदते हैं पैसों में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, जिसकी इकोनॉमी की वैल्यू होती है, वो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल हो सकता है, ठीक है, और वो कोई इनकम भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। और उसको जो एसेट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश में भी, और कैश भी एक इटसेल्फ भी कैश भी एक एसेट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। अभी बिजनेस जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो प्रोटेक्शन इकोनॉमिक वैल्यू पे, जब एसेट पे कोई भी नुकसान हो जाता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक वैल्यू वाली, ठीक है। अभी जो वैल्यूएबल एसेट इज़ ए वैल्यूएबल टू द ओनर, जो एसेट हैं वो वैल्यूएबल हैं ओनर के लिए, इंश्योर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनको इनकम प्रोवाइड करवाती हैं या बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं, वो उनको कंफर्ट और कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाती हैं। अभी फर्स्ट सिचुएशन में कार ओनर ने एक कार ले रखी थी, अभी वो उसका एसेट है, तो उसको कार से उसको बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो उसको मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दे रहा, उसको इनकम नहीं हो रही उससे कार से, बट वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है, उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवा रहा है, कंफर्ट प्रोवाइड करवा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अभी सेकंड सिचुएशन में जो ह्यूमन लाइफ है वो एक सेल्फ इनकम जनरेटिंग एसेट है, ठीक है, तो वो भी प्रोटेक्शन जरूरी है। थर्ड सिचुएशन में क्या है, जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस ओनर कैन सेल, वो अपना प्रोडक्ट बना के बेचेगा, ठीक है, जो कि जिससे उसको जनरेट होएगी इनकम, ठीक है। और जो बिजनेस है वहाँ पे वो अभी इनकम जनरेटिंग एसेट है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। अभी इसके साथ साथ जो उसकी प्रीमिसेस है, कंटेंट्स हैं, बिल्डिंग है, मॉनेटरी मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, ये सारे उसके एसेट्स हैं। अभी जो तीनों सिचुएशन है, तो तीनों सिचुएशन में जो इंश्योर्ड है वो अपना इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, अपनी जो बेनिफिट्स है उसको एसेट्स के कंटिन्यू रखने के लिए।
ठीक है। तो आगे भी यही जो आप पहले बताया गया वही इसमें बताया गया है कि जो एसेट्स हैं हमारी वो हमेशा के लिए नहीं होते, ठीक है, उनकी कोई लाइफ होती है। जैसे कार है तो उसकी 10 साल या 15 साल लाइफ होती है। ह्यूमन यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन बीइंग 60 साल तक काम कर सकता है, ठीक है, या उसकी नॉर्मल रिटायरमेंट एज तक, या उसके बाद उसकी मंथली सैलरी इनकम बेनिफिट वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कार स्टोलन हो सकती है, जो अभी जो चीज़ें हैं इनको क्या क्या रिस्क हो सकता है। कार है जो स्टोलन हो सकती है, ह्यूमन लाइफ, वो बीमार हो सकता है बंदा या मर सकता है, ठीक है। बिजनेस है वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है बाय फायर। अभी कोई भी सिचुएशन कहते हैं कि हैपती है, हैपन होती है, वापरती है, तो उसको कंटिन्यूस इन बेनिफिट के लिए, एसेट के कंटिन्यूस बेनिफिट के लिए हमें इंश्योरेंस ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, एक डेफिनेशन में है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि वो लॉस पे करेगी, ठीक है, इंश्योर्ड को या बेनिफिशियर को या ओनर को, एसेट के ओनर को, ठीक है, हम उसे टर्म इंश्योर्ड कहते हैं, ठीक है। वो एसेट के लॉस होने पर उसको प्रॉमिस करती है कि उसको पे करेगी, ठीक है, सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, सम इंश्योर्ड पे करेगी, ठीक है। और जब लॉस होता है, ठीक है, तो बट उसमें वो इंश्योर्ड क्या पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी को एक कंसिडरेशन पे करता है, कंसिडरेशन एक प्रीमियम देता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को कि वो उसका लॉस कवर करे, तो हम उसको कंसिडरेशन को हम प्रीमियम कहते हैं। अभी एक और है कि इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट है जो लॉस को स्प्रेड कर देती है, ठीक है, एक एक तरह का लॉसेस है उसको, पीपल काफ़ी सारे लोग हैं उसको लोगों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, एक एक उससे प्रीमियम लेके। और यहाँ पे बताया है कि एक जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसफरिंग प्रोसेस है, जिसमें वो एक एक बंदा है जो लॉस बियर नहीं कर सकता, उसका लॉस दूसरे बंदे पे ट्रांसफ़र कर देती है जो बियर कर सकता है, ठीक है, बस बदले में वो बंदा उसको जो जिसका लॉस हुआ है वो उसको कंसिडरेशन पे करता है, मीन्स प्रीमियम पे करता है, ठीक है। अभी इन सिंपल टर्म एक एक और एग्जांपल दी, डेफिनेशन दी हुई है, इंश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग और ट्रांसफरिंग द रिस्क इंकरिंग लॉस बाय द ओनर। जब कोई लॉस होता है तो वो प्रोसेस है जो लॉस को ट्रांसफ़र कर देती है, किसी एसेट के लॉस को दूसरे बंदे पे ट्रांसफ़र करती है टू द अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, हु कैन बियर द रिस्क, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बियर कर सकती है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे एसेट वाला लॉस ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, इन द रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन प्रीमियम। अभी जो कंसिडरेशन है प्रीमियम के बदले में वो इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफ़र कर देती है इंश्योरेंस कंपनी पर। यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी एक एक्सीडेंट है लाइक फायर, अभी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, बट जो ओनर है उसको प्रिकॉशनरी स्टेप लेने बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बट फिर भी वहाँ पे चांसेस हैं कि आग लग सकती है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं कि लगेगी नहीं लगेगी। अभी जो इंश्योरेंस कंपनी वही लॉस कवर करती है जो पॉसिबल हैं कि हो सकते हैं बट आर नॉट सर्टन। तो नेक्स्ट आउटकम है हमारा, बी अवेयर हाउ इंश्योरेंस इवॉल्वड, तो इंश्योरेंस कैसे विकसित हुई, ठीक है। तो लाइफ कहते जी अनसर्टन है और बिजनेस भी अनसर्टन है, ठीक है, पक्का नहीं पता कब किसका नुकसान हो जाए, ठीक है। तो कहते कि लाइफ की तरह जैसे पर्सन है वो उसको काफ़ी सारे रिस्क है, तो बिजनेस भी एक उसको भी काफ़ी सारे रिस्क है। पीपल एंड बिजनेसेस नीड समथिंग टू स्प्रेड दीज रिस्क। अभी कहते हैं कि पीपल और बिजनेस को कुछ चाहिए जो अपना रिस्क आपस में स्प्रेड कर सकें, जिनको सिमिलर रिस्क है। सिमिलर रिस्क, अभी जो इंश्योरेंस है वो रिस्क को ट्रांसफ़र कर देती है जो बियर कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क को। अभी इसी तरह इंश्योरेंस बिजनेस इवॉल्वड हुआ। कहते इंश्योरेंस की हिस्ट्री इतनी पुरानी है जब आदमी ह्यूमन होंद में आया, ठीक है, जिस उसकी एग्जिस्टेंस हुई। कुछ माइलस्टोन हैं हिस्ट्री के, वो नीचे दिए गए हैं। जैसे 5000 साल पहले चाइनीज ट्रेडर थे जो, वो इंश्योरेंस को एक प्रिवेंटिव मेजर लेके चलते थे पायरेसी के अगेंस्ट, जो डकैती होती थी शिप्स पे, लुटेरे होते थे उस पर इंश्योरेंस, तब वो वहाँ पे यूज़ करते थे 5000 साल पहले। तो वो क्या करते थे, जो कार्गो था उसका जो सामान था शिप का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अलग अलग शिप्स में,
मानो एक शिप्स को लॉस्ट हो गई, गो ठीक है, खो गई, या उसको पायरेट ने पकड़ लिया, तो लॉस उनका पार्शल होता था, सारा सारा कि सारा लॉस नहीं होता था, ठीक है, उनका फिर भी बच जाता था कुछ ना कुछ। सेकंड है हमारा जो फर्स्ट रिटन इंश्योरेंस थी वो बेबिलोनियन ऑब्सलिक्स मोन्यूमेंट में हुई, वहाँ पे राजा था एक हमुराबी, उसके लॉ की वजह से। हमुराबी का लॉ जो था वो फर्स्ट रिटन लॉ था, ठीक है, तो वो बेसिक इंश्योरेंस थी बेबिलोनियन ट्रेडर्स के लिए जो उनको उनके कार्गो के लॉस को प्रोटेक्ट करती थी। अभी 1966 में एक लंदन में आग लगी जिसको बोला गया ग्रेट फायर ऑफ लंदन, उसने 13,000 हाउसेस को नष्ट कर दिया, नुकसान कर दिया उसका, तो आगे फ्यूचर के लिए ना हो तो तब फायर ऑफिस ने तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे स्टार्टेड हुई 1618 में, ठीक है, 1680 में। एक लास्ट पॉइंट हमारा जहाँ पे ट्रेडर एक लंदन में कॉफ़ी हाउस था, ललॉयड कॉफ़ी हाउस, वहाँ पे गैदर होते थे और एग्री कहते अपने शेयर एग्री कर लेते थे कि जब कोई लॉस हो गया उनकी शिप को या कोई पायरेट डकैती हुई या उनकी शिप डूब गई किसी बैड वेदर के कारण या किसी और इंजरी के कारण, तो आपस में वो कंपनसेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में नेक्स्ट हम करेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, ये बाहर की हिस्ट्री आ गई और ये हमारी इंडिया की आ गई, ठीक है। तो इंश्योरेंस 1800 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, कुछ अर्ली कंपनीज दी हुई हैं जो इंडिया में विकसित हुई थी, पहले आई थी। तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी 1818 में आई थी, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। 1829 में मद्रास इक्विटेबल, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी चेन्नई में। 1850 में फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी, ये ध्यान देने वाली बात है जो सो डेट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस आई थी कंपनी 1818 में और फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस नहीं कहेंगे, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी 1850 में, वो था ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई। 1874 ओरिएंटल, ठीक है, उन्होंने अपना ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ही, उन्होंने मुंबई भी अपना ऑफिस खोला था। 1896 में भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी। 1897 में एम्पायर ऑफ इंडिया मुंबई में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस कहते जी, एक लॉ था, लागू हुआ था, एनेक्टेड हुआ था, इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसके बाद एक चेंजेस आए थे बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया में, ठीक है, चेंजेस हुए थे। तो LIC की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में वो फर्स्ट नेशनलाइज्ड हुई थी, ठीक है, और उसको 1 सितंबर 1956 में उसको फॉर्म किया था, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1973 में, ठीक है, तो तभी उसकी 4 सब्सिडरीज बनी थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फर्दर कहते जी, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए टिल 1999, ठीक है, जो LIC थी जो वो अपना पहले एक पब्लिक सेक्टर पे बिजनेस हो रहा था, बट उसने 1999 के बाद एक अमेंडमेंट हुई जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को पब्लिक प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया, ठीक है। और 2010 में वहाँ इंडिया में 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो अपना बिजनेस कर रही थी इंडिया में। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की लिबरलाइजेशन के बारे में डिटेल दी है। तो कहते जी, जो इंडिया में इंश्योरेंस है वो गवर्नड होती है इंश्योरेंस एक्ट 1938 पे, ठीक है, और इंश्योरेंस एक्ट 1938 में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होती रहती है, ठीक है, और इसमें टाइम टू टाइम संशोधन होती रहती है, ठीक है। और 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट
बना था, ठीक है, और IRDA ही रेगुलेटर है इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में, ठीक है। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिबरलाइजेशन में कि 2002 में एक बिग चेंज हुआ जब जब इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइज्ड हो गया और उसको ओपन किया प्राइवेट सेक्टर में भी, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ की गई अप टू 26% फॉरेन प्लेयर्स के लिए, ठीक है, जो उसमें डोमेस्टिक प्लेयर के साथ मिलके अपना बिजनेस कर सकते थे। तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक प्लेयर ने अपना हैंडशेक किया फॉरेन प्लेयर के साथ और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इसमें चेंजेस हुए और वो बिजनेस भी काफ़ी इंश्योरेंस का स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन क्या चीज़ लेके आई, कहते जी लिबरलाइजेशन ब्रॉट इनटू मच नीडेड कंपटीशन एंड बेटर कस्टमर सर्विस। लिबरलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिशन इनक्रीज हो गया पर कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव हुई। तो थर्ड हमारा आउटकम है अंडरस्टैंड हाउ इंश्योरेंस वर्क, तो इंश्योरेंस कैसे काम करती है, ठीक है। तो कहते जी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो पूलिंग सिस्टम पे काम करती है, जो जिन लोगों को सेम रिस्क होता है सिमिलर रिस्क होता है उनको वो इकट्ठा करती है और उनका एक मेंबर ग्रुप होता है जो एग्री करता है कि अगर किसी को वो लॉस आएगा तो आपस में वो उसको शेयर करेंगे, ठीक है, और कंपनसेट करेंगे उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ है, ठीक है। अभी कंपनसेशन कहते हैं जी कंपनसेशन इज एक्सपेक्टेड टू पुट पर्सन इन द सेम प्लेस फाइनेंशियली एज ही वॉज बिफोर सफरिंग द लॉस। कहते कंपनसेशन मतलब ऐसा होता है कि उसको जिसका पर्सन का नुकसान हुआ है उसको सेम पोजीशन पे लेके आता है फाइनेंशियली, और उसी पोजीशन पे लेके आता है जिस पे वो लॉस से पहले था, ठीक है। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है मरीन इंश्योरेंस की। कहते हैं शिप ओनर्स कंट्रीब्यूट प्रीमियम, ठीक है, ये शिप्स हैं अलग अलग शिप्स दी हैं वो अपना प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं और इंटरमीडिएट होता है इंश्योरेंस कंपनी उसको अपना प्रीमियम देते हैं। अगर किसी भी शिप या जैसे सिंक हो रही है अगर कुछ किसी भी तरह का शिप को नुकसान होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्लेम पे करती है, ठीक है, उसको कंपनसेट करती है। कहते हैं इंस्टेड ऑफ पीपल फ्रॉम ग्रुप कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन द इंश्योरेंस कंपनी एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी एंड ब्रिंग्स देम टुगेदर। जो कहते हैं लोगों को इकट्ठा करने की बजाय इंश्योरेंस कंपनी एज ए इंटरमीडियरी काम करती है, ठीक है, और उनको इकट्ठा करती है। अभी सारे मेंबर एग्री करते हैं और सभी सारे मेंबर को सेम रिस्क होता है और अपनी मनी कंट्रीब्यूट करते हैं उस पूल में, ठीक है, वो पूल है जो मेंटेन किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ईच मेंबर उसमें जो कंट्रीब्यूशन करता है जो उसमें कंसंट्रेशन देता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। अगर किसी एक आदमी को नुकसान होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन पे करती है, ठीक है, उस कॉमन पूल्स में निकाल के उस आदमी को देती है जिसका लॉस हुआ, ठीक है। और इसी तरह जो मेंबर है उस पर उसका बिग इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है, स्मॉलर उसका स्मॉल हो जाता है इम्पैक्ट, जो उसका लॉस है कम हो जाता है, ठीक है, मैनेजेबल होता है, ठीक है, हो जाता है। तो जो जितने इसमें हो रहा है कि जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना उसका प्रीमियम कम होएगा और उसको शेयर कम हो जाएगा उसका, ठीक है, रिस्क का। कहते हैं जिसका जैसा रिस्क है उसको उतना ही पे करना पड़ता है, ठीक है, उसका प्रपोर्शन उतना ज़्यादा होएगा। हम थ्योरी पढ़ भी लेते हैं पर फिर भी होता है कि कुछ क्वेश्चन चाहिए जिसकी हम प्रेपरेशन करें और जो एग्ज़ाम में आते हो और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंश्योरेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी के बेस पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुकलेट तैयार की है। ये चैप्टर वाइज भी है और एक बुक भी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर वाइज आप बाय करोगे तो आपको लेस दैन 20 रुपीज़ भी की पड़ेगी ऑलमोस्ट एक चैप्टर, और अगर बुक बाय करोगे तो उसका रेट आगे नीचे दिया हुआ है।